आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इंट्रोडक्शन के टाइम पर कहते हैं माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट द जॉब इन अ रेप्यूटेड कंपनी एंड माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू गेट अ रिस्पेक्टेबल पोजिशन इन अ कंपनी। इंटरनेट से इस बने बनाए आंसर कॉपी पेस्टेड आंसर को जब आप यूज करते हैं तो आपके इंटरव्यू क्लियर करने के चांसेस कम हो जाते हैं। वक्त आ गया है इस बनी बनाई इंट्रोडक्शन को बदलने का, बदलने से बढ़ेंगे इंटरव्यू क्लियर करने के चांस, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं तन्वी आपकी कम्युनिकेशन एंड करियर कोच आपका फिर से स्वागत करती हूँ इस चैनल पर, जहाँ पर आपकी उलझनों को सुलझाया जाता है ताकि आप अपने करियर अपनी ड्रीम्स के करीब पहुँच सकें। तो हम बात कर रहे थे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स की, जो रेडीमेड आंसर माय शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट द जॉब इन अ रेप्यूटेड कंपनी, माय लॉन्ग टर्म गोल इज टू गेट इनटू अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन, इस आंसर को बहुत लोग इंटरनेट से लेकर यूज करते हैं। गलती आपकी नहीं है, जब आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो यही पहला आंसर यूजुअली दिखता है। और हम इतने डिपेंड हो गए हैं रेडीमेड चीज़ों पर कि हम भूल जाते हैं कि इससे हमारा ही नुकसान हो रहा है। जब आप कपड़े अपनी फिटिंग के पहनते हो, जूते अपने साइज के पहनते हो, तो स्टेटमेंट्स और आंसर किसी और की क्यों? आपकी खुद की ओरिजिनल कस्टमाइज्ड टेलरमेड नहीं होनी चाहिए, तभी तो आपकी पर्सनालिटी के साथ आंसर्स मैच करेंगे। तो दोस्तों, जब मैं मॉक इंटरव्यूज लेती हूँ तो 10 में से 7 लोग यही ओल्ड स्कूल स्क्रिप्टेड आंसर देते हैं। मेरे दोस्त जो ये आंसर देते आ रहे हैं कॉमेंट्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बोलना है, यहाँ पर बेसिकली आपको उन शॉर्ट टर्म गोल्स की बात करनी है जो छोटे छोटे स्टेप्स आप लेने वाले हैं एक दो महीने में या एक साल में, दो तीन साल में, जिससे आपका अल्टीमेट लॉन्ग टर्म गोल अचीव होगा। सजेशंस में आपको स्मार्ट गोल्स का वीडियो आ रहा होगा, अगर वो आप वीडियो देख लेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पर हम फिर भी एक एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं कि मैं एक इंग्लिश का प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, तो उसके लिए मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होंगे? मुझे पहले बीए इंग्लिश करना होगा, फिर उसके बाद एमए इंग्लिश करना होगा, आगे जाकर मुझे यूजीसी नेट का पेपर देना होगा, पीएचडी करनी होगी, कुछ रिसर्च पेपर्स को पब्लिश करना होगा और एक अच्छी सी डीम्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च फेलोशिप के लिए भी इनरोल करना होगा, तब जाके मैं अपने अल्टीमेट लॉन्ग टर्म गोल जो कि प्रोफेसर बनने का सपना है वो पूरा कर पाऊंगी। एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मैं एचआर डिपार्टमेंट का हेड बनना चाहती हूँ, तो उसके लिए मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होंगे? लॉन्ग टर्म गोल क्या है? एचआर हेड। उसके लिए शॉर्ट टर्म गोल्स क्या रहेंगे? मुझे अपना करियर एज एन एचआर एग्जीक्यूटिव, या फिर अगर मैं एमबीए कर चुकी हूँ तो एज एन एचआर मैनेजर स्टार्ट करना होगा। उसके बाद मैं CHRM, जिसे सर्टिफिकेट इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं, उसका सर्टिफिकेशन लेना होगा और अच्छी सी कंपनी में कुछ साल का एक्सपीरियंस लेना होगा, HR के सारे बिजनेस फंक्शंस को समझना होगा, फिर जाकर मैं अपना लॉन्ग टर्म गोल HR हेड बनने का सपना पूरा कर पाऊंगी। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बनी बनाई स्टेटमेंट्स जो इंटरनेट से मिलती हैं और आपके साथ मैच नहीं करती, उन्हें कहीं भी अपने इंटरव्यू में यूज़ ना करें। मैं हूँ ना आपकी डिज़ाइनर, आपके आंसर्स को डिज़ाइन करने में आपकी मदद कर रही हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, छोटी सी चीज़ करनी है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि हम मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर सकें। और जो मेरे दोस्त जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे नहीं पता आप किस चीज़ की वेट कर रहे हो, जल्दी अभी सब्सक्राइब करो। करियर अच्छे से बनाना है कि नहीं बनाना, और मत भूलना कि आपने नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को भी प्रेस करना है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, जिसमें एक और बहुत बड़ी उलझन को सुलझाने वाली हूँ मैं। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।